नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नस को सलो स्वागत है एक नई वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप इस तरह से बड़े गाड़ियाँ मतलब बड़े एसयूवी चलाना चाहते हैं हाईवे रोड पे, तो हाईवे रोड पे कैसे आपको गाड़ी चलाना है तो सारे आपको जानकारी देंगे भाई। अगर आप अच्छे खासे स्पीड में हाईवे रोड में चलाना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ आपको फॉलो करना चाहिए उससे, जिससे कि आप सेफ रहे अपने तरीक़ा से। तो चलिए सबसे पहले हम गाड़ी पर बैठ जाते हैं और आपको गाड़ी में बैठ के बताने वाले हैं सारी चीज़ कि किस तरह से गाड़ी चलाना चाहिए हाईवे रोड पर। तो सबसे पहले भाई गाड़ी पर हम बैठ जाते हैं। तो गाड़ी में बैठते ही भाई सबसे पहले आपको चाबी लगा रहता है, ठीक है, गाड़ी में चाबी डाल दीजिए। उसके बाद भाई ये ओआरवे मिरर है, दोनों ओआरवे मिरर को अच्छी तरह से सेट करना है जिससे कि आप अच्छी तरह से देख पाए ना। बहुत सारे आप लोग इस तरह करते हैं, देखिए बिल्कुल आपको ज़्यादा गाड़ी का पार्ट्स दिखता है, रोड कम दिखता है। तो भाई कम से कम आपका गाड़ी दिखे बट ज़्यादा से ज़्यादा आपका रोड दिखना चाहिए। तो सेम उस टाइप से हमको पीछे करना है इस लेफ्ट साइड मिरर में। तो भाई यहाँ पे भी हम सेट कर लिए हैं और बीच वाला आयुर्वेद मिरर, ये आपको भाई बहुत ज़्यादा काम आने वाला है हैवी रोड में। तीसरा चीज़ भाई, आप सीट को अच्छी तरह से एडजस्ट कर लीजिए। मेरा अभी एडजस्ट बिल्कुल अच्छी तरह से है। आप स्टेयरिंग को अप डाउन भी कर सकते हैं, आपको अप में ज़्यादा अच्छा लगता है या डाउन में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भाई इसको हम बीच में मीडियम पे रखते हैं, ठीक है, इसको लॉक कर दिए हम। तीसरा चीज़ भाई, सीट बेल्ट बहुत ही जरूरी है दोस्तों। आप गाड़ी क्यों मतलब एक नॉर्मल रोड में क्यों ना चलाओ, बट गाड़ी पर जैसे ही बैठो भाई सबसे पहले सीट बेल्ट डालने का आदत डाल लो। तो सीट बेल्ट भी हम डाल लिए हैं भाई अच्छी तरह से, और देख लेना कि कोई भी लाइट वगैरह ऑन नहीं रहना चाहिए। जैसे कभी क्या होता है पार्किंग लाइट हमारा गाड़ी का ऑन रहता है तो ये सारे लाइट्स कंट्रोल्स को ऑफ कर लेना है और वाइपर भी ऑफ रखना है, ठीक है, जिससे कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो गाड़ी चलाते वक्त। और कोशिश कीजिए कि आप जब भी हाईवे रोड पर गाड़ी चला रहे हैं तो आप म्यूजिक सिस्टम को ऑफ कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आपका ध्यान ज़्यादा म्यूजिक सिस्टम की ओर जाता है, तो इस साइड कोई भी आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आप म्यूजिक प्लेयर चला रहे हैं तो भाई बिल्कुल ऑफ स्क्रीन पर रखिए उसको और ज़्यादातर इधर देखने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। तो चलिए भाई सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, क्लच दबाना है, स्टार्ट कर दिए गाड़ी को। उसके बाद भाई हम फर्स्ट गियर डाल दिए, हैंड ब्रेक को डाउन कर लेना है। और जैसे यहाँ से अभी देखिए हमारा गाड़ी बिल्कुल अभी साइड पे खड़े हैं, तो यहाँ से तुरंत रेस लेके आपको गाड़ी पे नहीं चलाना है, क्योंकि आप समझते होंगे कि बिल्कुल बहुत अच्छा रोड है भाई, बहुत ज़्यादा रेस पे हम गाड़ी को उठाएंगे, तो बिल्कुल इस तरह से गलती नहीं करना है। और जैसे ही गाड़ी को बढ़ाइएगा सबसे पहले आपको भाई राइट साइड वाला ओवर में मिरर में देखना है कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा। देखिए अभी हमारा पीछे से एक टेम्पो आ रहा है, उसका पीछे ट्रक आ रहा है, उसका पीछे आपको एक बाइक वाला आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे हम डायरेक्ट राइट की साइड नहीं लेंगे, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले भाई गर्मी है काफ़ी ज़्यादा तो फर्स्ट नंबर पे एसी चलाते हैं हम, तो फर्स्ट गियर डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए कार भी आ रहा है तो हम धीरे धीरे सबसे पहले यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ेंगे क्लच छोड़ के, ठीक है, धीरे धीरे बढ़े हम। उसके बाद सेकेंड गियर डाल दिए, ठीक है। अब देख रहे हैं कि अभी भी है पीछे हमारा एक ओमनी है, तो बट ये वाला लाइन जो है खाली है तो इस पर आ जाएंगे हम इस रोड पर। अगर आपको गाड़ी अब स्पीड चलाना है तो क्या करना है, थोड़ा देर भाई सीधा जाइए, उसके बाद देखिए रोड पे कि रोड पे बिल्कुल कोई भी गाड़ी नहीं है पीछे, ठीक है, बैक साइड पे कोई भी गाड़ी नहीं, यहाँ से भी देख सकते हैं कोई नहीं है। तो अब यहाँ से हम धीरे धीरे बीच वाला लेन पे ले चले आए। अब बीच वाला लेन ही सबसे ज़्यादा सेफ है भाई आपको गाड़ी चलाने के लिए। अगर बीच वाला लेन पर चलाते हैं तो आप बहुत ही निफिकिर से गाड़ी चला सकते हैं, मतलब आपको कोई प्रकार का टेंशन नहीं रहेगा इस रोड पर, इस वाले लेन पर। अगर आप राइट साइड की ओर जाते हैं तो देखिए राइट साइड हम चले जा रहे हैं, राइट साइड में प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, इस साइड चल रहे नो डाउट इस साइड भी चलना सबसे सेफ है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पीड चलाएंगे, फिलहाल तो अभी एक ट्रक आ गया है भाई, तो देखिए वो सारे ट्रक है तो क्या निकाला कि इस तरह डायरेक्ट इस तरह से कटिंग नहीं करना है, हम लेफ्ट साइड का ओवर में मिरर देखें, ठीक है, उसके बाद हम लेफ्ट किए। तो आपको चारों ओर ध्यान देना पड़ेगा, मतलब जैसे गाड़ी का अंदर भाई बैठ जाइएगा आप, आपको चारों साइड ध्यान होना चाहिए गाड़ी का। देखिए यहाँ पे क्विड है आगे, तो गाड़ी कैसे निकालना है सबसे पहले हम जज करेंगे कि इधर का रोड ज़्यादा खाली है, तो इधर का ये रेड सबसे ज़्यादा खाली है अभी, यहाँ से देख लिए कि कोई गाड़ी नहीं है तो यहाँ से अब गाड़ी को हम निकाल लिए, क्योंकि ट्रक तो काफ़ी धीरे चल रहा है भाई, उसका पीछे अगर रह जाएंगे हम तो बिल्कुल हम धीरे ही रह जाएंगे, उसका पीछे पीछे ही हमको बहुत देर फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ साइड इस साइड में काफ़ी ज़्यादा बाइक है कार है, तो यहाँ पर इस साइड वाला राइट साइड वाला खाली है, तो यहाँ से हम गाड़ी को अपना निकाल लिए हम इस तरह से। अब देखिए ये यहाँ भी, अब देखिए इसका पीछे ट्रक था तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस रोड पे घुसा देंगे, क्योंकि इसका पीछे ऑलरेडी ट्रक था, उसका कोई जरूरी नहीं कि आपका आगे और कोई गाड़ी है, सॉरी पीछे कोई गाड़ी है। हाँ तो अभी आपको बता रहे थे हम कि अगर आप राइट साइड में चलते हैं तो क्या डिमेरिट्स है, देखिए राइट साइड वाला लेन पर ले जाते हैं और यहाँ पर स्पीड चलते हैं, तो यहाँ पर स्पीड चलने से क्या होता है, नो डाउट आप अच्छी तरह से चला रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रोड क्लियर है तो,
बट यहाँ पे एक छोटा सा दिक्कत यही होता है कि कभी कभी देखते होंगे दोस्तों कि रोड के साइड एक कोई छोटा सा कंकड़ या पत्थर या कोई पत्थर या कोई ईंटा या छोटा सा कोई गड्ढा मिल जाए तो उतना स्पीड में गाड़ी को आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। उस पत्थर पे आपका चला जाएगा, उस गड्ढे पे आपका गाड़ी चला जाएगा ऑलरेडी, तो वहाँ पे आपका प्रॉब्लम क्या होगा। सपोज डेट कि हम इस लेन पे अभी चल रहे हैं और अच्छा खासा स्पीड में चला रहे हैं बिल्कुल सामने की ओर, ठीक है, सामने डिवाइडर हमारा, ठीक है, और अचानक कोई पत्थर वगैरह आ गया तो यहाँ पे हल्का सी भी स्टीयरिंग आपका इधर उधर हुआ तो सीधे आप जाके डिवाइडर से टकरा सकते हैं और आपका गाड़ी का बिल्कुल अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा भाई वहाँ पे। इसलिए भाई हम सबसे ज़्यादा अगर आप स्पीड चलते हैं गाड़ी को स्पीड चलाते हैं तो सबसे अच्छा लेन हम समझ पाते हैं बीच वाला लेन। यहाँ पे आप बिल्कुल आराम से गाड़ी को बहुत ही स्पीड चला सकते हैं। देखिए अभी हम 120 का लगभग स्पीड में पहुँच गए, क्या देख सकते हैं 120 की स्पीड में पहुँच गए और आगे बाइक है तो फिर से क्या करेंगे, कोई जरूरी नहीं कि हम स्पीड रेस दबाई रखेंगे, आपको ध्यान देना सबसे ज़्यादा आगे की ओर। जब भी आप गाड़ी दोस्तों स्पीड चलाइएगा तो आपको पूरा ज़्यादा से ज़्यादा 90% फोकस आपको बीच मतलब आगे कहीं और होना चाहिए, ना कि इधर उधर। कभी कभी देखते होंगे कि कोई ड्राइवर स्पीड चलाता है बट इधर कोई कभी देखता रहता है कभी उधर देखता रहता है, वैसे भाई आपका मिस्टेक हो सकता है और आपका गाड़ी का नुकसान भी हो सकता है। तो कोशिश कीजिए आप 90% आगे की ओर ध्यान दीजिए और टाइम टू टाइम इस वाले ओवरवे मिरर इस वाले ओवरवे मिरर पे आपको ध्यान देते रहना पड़ेगा, मतलब दोनों ओवरवे मिरर और बीच वाला मतलब तीनों मिरर में आपको ध्यान देते रहना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी भाई इस तरह से हाईवे स्पीड रोड पे स्पीड चलाओगे तो देखिए आगे ट्रक है तो यहीं से हम ब्रेक मारने स्टार्ट करेंगे क्योंकि ट्रक वाले क्या होता है कभी धीरे चलते हैं और उतना स्पीड में हम बिल्कुल सामने आके यहाँ पे आते हैं और उसके बाद हम ब्रेक दबाते हैं तो हो सकता है हमारा गाड़ी का ब्रेक ना लगे बाय मिस्टेक। ऐसे तो गाड़ी का ब्रेक लग ही जाता है आज की डेट में, तो कभी ये जो भी चीज़ है मशीनरी चीज़ है कभी भी धोखा से दे सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा दूरी से ही अपना ब्रेक हल्का हल्का दबाना स्टार्ट कर दीजिए जिससे कि आप उस ट्रक के नज़दीक पहुँचते पहुँचते आपका गाड़ी का जो ब्रेक है बिल्कुल सुरक्षित तरीके से लग जाएगा। देखिए अब हम फिर से गाड़ी को स्पीड कर रहे हैं बट हमारा आगे जो है काफ़ी ज़्यादा बाइक है और ये हमारा लेन भी सेफ नहीं लग रहा है तो यहाँ पे हम बिल्कुल हॉर्न दबाते रहेंगे जब तक वो वाला बाइक साइड ना हो। देखिए इनको कोई मतलब नहीं है, आराम से अब बीच रोड पे हम चला रहे हैं क्योंकि इनको इनके साथ प्रॉब्लम क्या होगा हम आपको बताते हैं, वो नहीं बता पाएंगे, हम आपको बता दे रहे उनके साथ क्या प्रॉब्लम, वो क्यों नहीं साइड हो रहे थे क्योंकि भाई वो भी वो जो बाइक वाला था आगे वाला वो बाइक भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड जा रहा था और उनको लगता है कि अचानक से हम भी टर्न लेंगे तो हमारे हम भी मतलब स्लिप करके अपना बाइक हम गिर सकते हैं, इसलिए वो साइड नहीं हो रहे थे बिल्कुल। इसलिए आपको अपने हिसाब से स्पीड चलाना है और अपने हिसाब से ब्रेक दबाना पड़ेगा, मतलब सारे कंट्रोल आपके पास रहना चाहिए। आपको लगता है कि हम हॉर्न दबा रहे हैं और वो उसके सामने पहुँचते पहुँचते वो वाला बाइक साइड हो जाएगा तो आपका ये सोचना भी बिल्कुल वहाँ पर गलत हो जाएगा। तो भाई सीधा सीधी बात यही है, जिसका लाठी उसका भैंस, आपका गाड़ी है भाई तो आपको अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा, आप दूसरे के भरोसे से आप नहीं चला सकते हैं। जैसे कि आपको लगेगा कि वो वाला बाइक साइड हो जाता तो हम यहाँ से निकल जाते या वो वाला बाइक वो वाला ट्रक जो है ब्रेक नहीं दबाता तो हमको ब्रेक दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, हम भी उसी स्पीड से चलते, ऐसा नहीं होता है। सब कोई अपना अपना मतलब नॉलेज से चला रहा है, जिसको जैसा नॉलेज है वो अपने हिसाब से चला रहा है गाड़ी, ठीक है, तो उनके नॉलेज को तो आप कंपेरिजन कर नहीं सकते हैं। तो उससे बेटर है कि आप अपने हिसाब से ही अपने गाड़ी को कंट्रोल कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हाईवे रोड है फिर भी हमको यहाँ पे स्लो होना पड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि उस साइड रोड बन रहा है और इसी रोड पे दोनों ही साइड से गाड़ी आ रहा है जा रहा है, ठीक है, तो जिसके कारण यहाँ पे अब गाड़ी धीरे धीरे चल रहा है तो यहाँ पे हम ज़्यादा स्पीड नहीं कर सकते और ओवरटेक भी नहीं कर सकते हैं। ओवरटेक करेंगे भाई तो आगे से देख सकते हैं ट्रक है और अचानक से यहाँ से ओवरटेक हम कर भी लिए तो वहाँ जाके हम फंस जाते हैं तो फिर से हमारा वो रोड भी जाम हो जाता है। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। और एक गलती भाई, ट्रक के काफ़ी आप नज़दीक जाके अपने गाड़ी को मत खड़ा करो, जैसे कि यहाँ पे देखिए।